ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। मागच्या 2.5 वर्षात महाराष्ट्रात महायुती सरकारने दमदार कामगिरी करत विविध विकास प्रकल्प पूर्ण केले। यामध्ये एक महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे आशिया खंडातील सर्वात मोठं बंदर पालघर जिल्ह्यातील वाढवण येथे बनतंय। यातून 12 लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे। नागपूर आणि मुंबईला जोडणारा समृद्धी महामार्गामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील जिल्ह्यातून आता निर्यातीसाठी वाहतूक जलद होणार आहे। शेती संबंधित प्रक्रिया उद्योग नवीन उद्योगधंदे यांना माल वाहतुकीस मदत होणार आहे। महायुती सरकारने जो काम किए उसमें हमारे व्यापारी लोग बहुत ही खुश हैं, उनका बिजनेस में बहुत ही इजाफा हुआ है। और अभी पालघर में जो वाड़वन में वाड़वन पोर्ट बना है वो हमारे लिए जो व्यापारियों के लिए बहुत ही काम में आएगा। वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए बहुत हमारे को फायदा पड़ेगा। वहाँ से बड़ौदा एक्सप्रेस वे वो काम में आ रहा है, समृद्धि एक्सप्रेस वे, ये सब हमारे व्यापारियों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही फायदा होने वाला है। और उसमें पब्लिक तो बहुत ही खुश है। वंदे भारत कनेक्टिविटी जो चालू किया है पूरे इंडिया में, खास करके महाराष्ट्र में, और हमारे कल्याण से तो बहुत ही खुश है। शिरडी जा रहे हैं सब लोग वंदे भारत का, और उसमें टाइम भी बच रहा है और बहुत लग्जरी लाइफ में बहुत अच्छे रेट में जा रहे हैं। पुणे मुंबई नागपूर येथे मेट्रो सेवा शहरातील ट्रॅफिकच्या समस्येपासून सुटका होणार आहे। शहरांतर्गत प्रवास आता प्रवाशांसाठी सुखकर झालाय। अगोदर काय रेल्वेचा काय विकास नव्हता। मला पण रिटायर करून 11-12 वर्ष झाले आहे, पण इतका विकास नव्हता। आता सरकारमुळे, महायुतीच्या सरकारमुळे रेल्वे स्टेशनचा रेल्वे स्टेशन एस्किलेटर सगळं चांगला झाला एकदम। ते नातेवाईककडे आम्हाला अंधेरीकडे जायचे ते खूप त्रास होतो अगोदर। आता आम्ही घाटकोपरवरून मेट्रोनी 15 मिनिटात तिथे पोहोचतोय। आणि आताची सरकार आताचा विकास आहे अगोदरच्या विकासला खूप फरक आहे। वैनगंगा, नळगंगा, नारपार, गिरणा, वैतरणा, गोदावरी इत्यादी नदी जोड प्रकल्प तसेच पश्चिम वाहिनी नद्यातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी मराठवाडा आणि विदर्भात वळवून तेथील सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे। वंदे भारत सारख्या रेल्वे मार्गांचा विकास, नवी मुंबई, सोलापूर, पुणे, नाशिक, शिर्डी अशी नवीन विमानतळे महायुती सरकार उभारत आहे, त्यामुळे देशातील व आंतरराष्ट्रीय प्रवास सोपा होऊन अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार असल्याची शक्यता वर्तवली जाते। पिछले जो 10 साल हुए हैं उसमें मोदी सरकार और महाराष्ट्र में 7.5 साल की महायुति सरकार ने जो काम हुआ है वो बहुत अभूतपूर्व है। और सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा समृद्धि एक्सप्रेस वे जो कनेक्टिविटी है व्यापारियों को नागपुर से लेके मुंबई तक, वो बहुत बड़ी कनेक्टिविटी है। भैगतपुरी तक वो चालू भी हो गया है और 2-3 महीने में कंटिन्यू चालू हो जाएगा। उसके बाद जो बड़ौदा एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी दी जा रही है और नया जो वाड़वन बंदर बन रहा है उसको JNPT जो बंदर है पहले वाला हमारा उसके ऊपर बहुत लोड बढ़ गया, तो वाड़वन बंदर बनाने का जो निर्णय लिया गया है वो एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा, महाराष्ट्र के जो व्यापारी है उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और बहुत ही बहुत अच्छी कनेक्टिविटी भी उसको दी जा रही है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा मेट्रो जो मुंबई में चालू हो गई है, थाना तक आने वाली है, मेट्रो की जो लाइन चालू हुई है और कल्याण तक मेट्रो आने वाली है, तो ये मेट्रो की कनेक्टिविटी जो है वो मेट्रो मैन हमारे फडणवीस साहब है, उन्होंने ही पहले का जो मेट्रो एक ही चालू हुआ था, इतना बड़ा मेट्रो का जो जाल आज मुंबई, थाना, कल्याण तक, तलोजा तक जा रहा है, तो उसका श्रेय मैं पूरा बूढ़ा फडणवीस साहब को दूंगा। और उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि वंदे भारत ट्रेन की जो कनेक्टिविटी है, वंदे भारत की जो अभी स्लीपर ट्रेन भी आने वाली है, शिरडी तक वंदे भारत की जो सेवा चालू हुई है, या जो हम व्यापारी लोग जो कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा बहुत टाइम बचता है। और उसके बाद अभी मैं बताना चाहूंगा कि समृद्धि एक्सप्रेस वे और जो कनेक्टिविटी, सब इन बातों की वजह से हमारा जो व्यापार है वो और बढ़ने वाला है। तो हम इस महायुति सरकार से बहुत खुश हैं। जो भी उनके आज तक के डिसीजन है वो सभी जनता के हित में हुए हैं। हम इस बार भी मारुति सरकार को बरगोट मतों से उनको जिताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। ताजा घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।